नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जसपा और भाजपा मिलकर हरियाणा में सरकार चला रहे हैं और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी। वहीं केथल के पार्टी कार्यकर्ता हरदीप पारडा को अजय चौटाला ने पार्टी प्रदेशा प्रवक्ता बनाने के लिए ऐलान भी किया। जसपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने केथल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी वे पहले भी निभा रहे थे, लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी बढ़ा दी है, जिसे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सहयोग से अच्छी तरह निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन संघर्ष और चुनौतियों का सामना किया है, जिससे वे कभी घबराए नहीं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहा कि चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि संगठित होकर के पार्टी संगठन और अधिक मजबूती से काम करें। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्ठा और संगठन की मजबूती के बल पर जुमा 8 महीने पहले भी पार्टी बनी और प्रदेश में सत्ता का परचम लहराने में कामयाब हुई। पलपल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। जिम्मेवारी तो पहले भी निभा ही रहे थे, अब साथियों ने और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, तो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के संगठन को और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगे। जहाँ दूसरे प्रदेशों में फैलाव करेंगे, वहीं प्रदेश के बूथ स्तर तक पार्टी के ढांचे को मजबूत करके ताकत देने का काम करेंगे। चुनौतियाँ है और चुनौतियों का ही सामना सारी उम्र किया है, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि सब संगठित होकर के काम करें, निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम आएंगे। आपके सामने है जुमा 8 महीने पहले पैदा हुई पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में अपना परचम लहराने का काम किया, और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम निश्चित तौर पे आगे भी इसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और हम मिलकर के सरकार चला रहे हैं और मिलकर के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लड़ेंगे। आप चुनाव घोषित करवाएं, हम प्रत्याशी घोषित कर देंगे। संगठनात्मक ढांचा बनाया गया था तब, उस वक्त सब लोग इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य थे। दिग्विजय सिंह चौटाला एक ऐसा सदस्य था जो इनसो का, और इनसो एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी थी, इसलिए उस वक्त ये जिम्मेवारी उसको दे करके पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उसमें उसको दरकिनार करने की बात कहां से होगी? सर, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया। अभय सिंह चौटाला जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो निरंतर इस तरह की बात करते हैं। शराब घोटाले की जहां तक बात है, दुष्यंत ने बड़ा क्लियर कट सारी चीज को बताया है। हमने जहां प्रदेश के रेवेन्यू का इजाफा किया है, वहीं इस घोटाले को बेनकाब करके उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, और बाकियों की भी जांच चल रही है। जो जो लोग दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, पाए जाएंगे। तो पालिकाओं के चुनाव भी होंगे। हम बता रहे हैं ना कि हम इसको बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करके उन अच्छे साथियों को जिम्मेवारी देंगे, ताकि वो पार्टी के संगठन को और प्रभावी और मजबूत बना सकें। दूसरे राजनीतिक दलों में भी जो अच्छे लोग हैं उनको भी साथ लेंगे और अच्छे सहयोगियों को जिम्मेवारी देने का काम करेंगे। प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे थे साथी, आज उनको प्रवक्ता की जिम्मेवारी आपके आदेश पे दी गई।